दिल्ली दिल्ली दिल्ली, इनकी होगी हालत खराब, गर्मी इतनी, ऊपर से आसमान में बादल और बिल्कुल बोल रहे कि आज से तुम्हारे साथ कभी नहीं है। तो हम लोगों ने लिए हैं डिसीजन कुछ रॉन्ग, अब वो भी लिए हैं, तीन तीन डिसीजन रॉन्ग लिए हैं हम लोगों ने। पहली बार इतनी दूर बाइक में चली हो, 50-60 किलोमीटर, और हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई। सो अभी निकल रहे हैं मैं, प्राची और निहारिका, राइट पे गुंडे से बन गए तीन के तीन। उधर को जाना है, इधर को जाना है। लगता है जो आज का रास्ता है वो पूरा ऑफ रोड रहेगा। अभी तक रोड ही नहीं मिली है उनके घर से निकलने के बाद, ऐसा कुछ है, जंगलों के बीच से रास्ता आ रहा है। कतरीना घाट बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ दुधवा नेशनल पार्क की रेंज में, शायद वहाँ जंगली जानवर, हाथी, घोड़ा, ये सब कुछ, मतलब शेर एर सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा ये लोग बोल ले, इनके लिए बाघ भी ऐसा शेरी होता है। तो पूरा रास्ता अभी तो फिलहाल है ऑफ रोड इसमें पूरी, और चारों ओर हैं खेत और आम के ये बगीचे, लोग तोड़ रहे हैं आम, बच्चे घूम रहे हैं। अभी क्या है, थोड़ा बहुत छांव हो गई है। अरे भैया, यहाँ तो होगी कॉमेडी के, सारा गूगल मैप कुछ और बोल रहा, गाँव वाले कुछ और बोल रहे हैं, किसी के समझ में, एक तो यहाँ की लैंग्वेज ना मेरी समझ में आ रही है ना ये लोग समझ पा रहे हैं, वो पता नहीं क्या बोल, क्योंकि थारू लोग रहते हैं तो उनका समझ में हिसाब किताब नहीं आ रहा। ऐसा कुछ दलदल है, वो बोल रहे गाड़ी फंस जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सस्ते मत जाओ, बोल रहे फिर से 50 किलोमीटर, गाड़ी तो फंसने वाला, हिसाब किताब चल ही रहा है, ऑफ रोड हो गया पूरा हिसाब किताब। आज क्या है कि प्राची और निहारिका देखेंगे पूरा ऑफ रोड इस रस्ते में। अच्छा अच्छा, तो यही वो बोले थे कि इसमें टट्टर जाएगा, हाँ उतरो इसमें और उधर तक निकलो। अभी लोग को उतारेंगे हम लोग, और मैं अपनी बाइक लेके जाऊंगा साइड से, अगर मैं कहीं गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कतई ऑफ रोड हो गया है, खेतों के बीच से ऐसे देखो आप बकरियाँ कैसे रोड में बैठी हुई हैं। और इसी के साथ हम कर रहे हैं यूपी के गांवों का भ्रमण। देखो आप चारों ओर ऐसे ही इधर साइड में ऐसे गांव में हर टाइप के मकान लगे हुए हैं, बहुत कम लोगों के मकान पक्के हैं, ज़्यादातर मकान हट वाले हैं, और लोगों का जो बिजनेस है वो ज़्यादातर है आपका बकरी पालन का और घोड़ा पालन का और भैंस पालन का। तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा इनकी लैंग्वेज थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ना भोजपुरी टाइप की है ना वैसी है, थोड़ा मतलब काफ़ी अलग टाइप की है। वैसे एक बात हो, मेरी एक्सपल्स को आज मिली है रोड, मतलब ऑफ रोड जो होती है ना, जिसके लिए जानी जाती है, लेकिन मेरे साथ होगी दो सवारियाँ, दिक्कत ये होगी, एक प्राची एक निहार का, वरना मैं अकेले में ऐसा रौला काटता ना इसमें, मजबूरी में मुझे मतलब इन लोग को लेके, अब इन लोग को लेके घूमने लाना ही था। अगर मैं अकेला होता तो मैं वो उसी रास्ते जा भी चले जाता। अभी ये रास्ता भी कौन सा सही है, ये रास्ता भी ऐसा ही है, तो पूरा रास्ता मतलब ऑफ रोड पूरी मिल रही है, लेकिन इस रास्ते में इन लोग को बैठा के लेके जाया रास्ता है। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, इनकी होगी हालत खराब, गर्मी इतनी, ऊपर से आसमान में बादल और बिल्कुल बोल रहे कि आज से तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे हम। क्यों नहीं आओगे प्राची? आधा तो तुमने जज ने पैदल चला दिया बोले। अच्छा अच्छा, खुद की साइकिल आके 50 किलोमीटर कहाँ जाओगे? तो बहुत जद्दोजहद के बाद हमको मिला है ये रास्ता। देखो इस रास्ते के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, हम लोग को 1 घंटा ज़्यादा लेट हो गए, और अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। बहुत तेज़ धूप भी है और साथ साथ पे बादल भी हैं, कहीं बादल आ रहे हैं कहीं धूप आ रही है, तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर का। और ये है सादा डैम, अभी हमको जाना है 16 किलोमीटर और आगे,
वो जो 35 किलोमीटर था वो रास्ता तब्दील हो गया 65 किलोमीटर में। ऐसी तो स्थिति है और इन दोनों की हाय हालत खराब। अभी धूप, अभी तक छाया में बैठे हुए थे, धूप आ गई तो नीचे पेड़ के नीचे छाया में बैठने गए हैं उस साइड। तो अभी हम पहुंचे हैं घाघरा बैराज में। देखो आप कितना ज़बरदस्त सीन है। थोड़ा एक्चुअली क्या है, मेरा गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई और दूसरी बैटरी में लाना भूल गया हूँ, इसलिए मैं रास्ते का कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ और वो बहुत बड़ा बन भी जाता है। तो आप देखो ये पूरा का पूरा है घाघरा बैराज। तो ये नदी है पूरी घाघरा, जिसका शारदा नदी के साथ होता संगम, फिर ये निकल जाती है अयोध्या की ओर को। तो आप देखो कितना जबरदस्त लैंडस्केप है इस नदी का। ये देखो आप दूर दूर तक फैला हुआ पूरा दुधवा नेशनल पार्क, पूरा कातंग घाट इसी नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है, काली नदी और घाघरा नदी। बहुत पानी है बहुत, और बहुत अच्छा सीन है, लेकिन गर्मी बहुत होने की वजह से हालत हमारी ख़राब है। तो यह है कतनिया घाट फ्रेंड्स क्लब बहराइच, इस साइड में यहाँ पे लिखा है कतनिया घाट पशु विहार आपका हार्दिक स्वागत करता है, कतनिया घाट वन्यजीवार आपका ये। लेकिन ये भी बंद है पूरा, इसके अंदर कुछ लोग गए हैं पिकनिक मनाने के, लेकिन आज के लिए बंद था क्योंकि इस साइड नदी है पूरी पानी की, तो यहाँ कभी भी बारिश होती है तो वैसे पूरा पानी भर जाता है सेंचुरी के अंदर, तो इसलिए रास्ते सब कुछ बंद किया हुआ है। फ्रेंड्स तुम आज पहली बार इतनी दूर बाइक में चली हो, 50-60 किलोमीटर और हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई तुम्हारी? वो भी प्राची देख नहीं पाई कुछ भी, है ना? खाली आना। और तुम्हें घाघरा नदी तो दिखाई ना हमने, घाघरा नदी हाँ। फोटो इसकी खींच दीजिएगा 2-3 ना। तो हम लोगों ने लिए हैं डिसीजन कुछ रॉन्ग, और वो भी लिए हैं तीन डिसीजन रॉन्ग लिए हैं हम लोगों ने। एक पहला क्या कि हमने ये पता नहीं किया कि कतनिया घाट खुला है कि नहीं खुला है, ठीक। और दूसरा डिसीजन हमारा ये था कि हमने जो रास्ते हैं रास्ते चूज करने में निहारिका और मैंने की है गलती, और उसका भुगतान किया है प्राची ने, पूरा दान दिया हुआ है कि हमने क्या पहले जो रास्ता चूज किया था तो उसका दूसरा रास्ता चूज किया। इस करते करते हम लोग को क्या हुआ कि यहाँ पर 1 घंटे पहले आना था और हम लोग 1 घंटे बाद आए, यानी कि 12 बजे हम लोग को यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, हम लोग उसके बाद यहाँ तक आके पहुँचे हुए। और सेकंड थिंग, फिर थर्ड थिंग क्या है कि हमने सोचा कि अब मौसम में बादल आ जाएंगे, बारिश होगी, लेकिन वो ना बादल आए, मतलब बादल तो आए लेकिन सूरज भगवान के ऊपर नहीं आए, और ना हल्के की बारिश हुई ना पूरा, मतलब मौसम पूरा ढका, तो उसकी गर्मी की वजह से हमारी होगी हालत और ज़्यादा ख़राब। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं इधर, आपके देखिए कतनिया वन्य जीव विहार में। ये भी आजकल बंद है क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये 16 जून से लेकर 16 नवंबर तक बंद रहता है। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कतनिया कुछ कतनिया घाट कोई बैराज टाइप का होगा, तो मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं था कि वो बंद रहता है। जैसे दुधवा हम लोग को मालूम है कि दुधवा बंद है, कारवीर बंद है, तो वैसे कि मैंने सोचा कि कतनिया भी देखो अब वैसे ही बंद है। तो यहाँ कतनिया घाट के अंदर ऐसे आप पैदल जा सकते हो, अभी अंदर कुछ फैमिली लोग जा रहे हैं यूँ, तो लेकिन हम क्या करें, यहाँ से थोड़ा इंतज़ार करते हैं, पानी की बोतल पीते हैं, पानी लेके आए हुए हैं, जो नमकीन लेके आए हुए हैं, चिप्स खाते हैं, फिर वापस जाते हैं लौट के बुद्धू क्या घर को आए। तो मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के, आदि ब्लॉग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तब तक के जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।